सुगुना दरवाजा खोल। अरे सुगुना, अरे दरवाजा खोल, अरे खोल खोल। भाभी भाभी उठो दादी साहब। कहाँ रखा है दरवाजा? उठ जाओ दादी साहब। जब पीटते पीटते मारे तो हाथ टूट गए। क्या कर रही थी? और जो दरवाजा अंदर से बंद क्यों कर रखा था भला? दादी साहब, वो ना जग्या बार बार भाभी को परेशान कर रहा था, बार बार सवाल पूछ रहा था। भाभी नीचे की बैठी है, आरती के लिए क्यों नहीं जाती, रसोई में क्यों नहीं जाती? और दादी साहब, अपनी बिन्नी को नीचे सोते हुए देखता तो और भी सवाल करता ना, इसीलिए मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर दिया। ये तो बहुत अच्छा किया, बड़ी सियाणी हो गई हमारी सुगना। और एक जे घर की बींदनी। सूरज सर पे कब के चढ़ाया, पर महारानी अब तक सो रही है। अरे छोरी, ओ बींदनी, अरे उठ जा। उठना है कि ना? खड़ी हो जा। घर का काम करने से मना कर दिया तो सारा दिन सोती रहेगी क्या? हैं? जा, जाके स्नान कर। और सुन, बाहर वाले गुसलखाने में ही स्नान करना। हाँ, वहां थारे लिए बाल्टी लोटा साबुन सब रख दिया है। जा। दादी साहब, बाहर वाले गुसलखाने में क्यों? अरे बहू, महासागर का पानी सूख जावेगा, पर इस छोरी का गला ना सूखेगा सवाल करते करते। पिछले जन्म में वकील थी, हैं? अब सुनो समझ ले, इन दिनों में घर की औरतें बाहर वाले स्नान घर में ही स्नान करें। हाँ, समझ गई? पर दादी साहब, भाभी और सुन छोरी, तौलिए कपड़े के लिए अलमारी को हाथ लगाने की जरूरत ना है, अपनी सास से कह दीजो, वो निकाल के दे देगी। अब जा। सुगुना इधर आ, तू भी जल्दी से तैयार होके आ जा, बहुत सारा सामान खरीदना है हाट से। हाँ हाट? अभी? पर दादी साहब, बाहर तो बहुत धूप होगी ना। तारी भली हुए, और ये मना करके अपने नुकसान करावे तो। अरे गौने के लिए ही सामान खरीदने जाना है, ऐसी ना घुमा रही थारे को धूप में। जल्दी तैयार हो जा। मुझे कब तक करना पड़ेगा? मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। बस कुछ दिन और भाभी, फिर सब ठीक हो जाएगा। अभी तुम नहाने जाओ, दादी से ने देख लिया ना तो फिर से चलाएंगी।
ये देख आनंदी जलेबी, तुझे पसंद है ना? कौन लाया? तेरे ताऊ जी। ले खा। नहीं ताऊ जी, अब नीचे रख दो ना, मैं खा लूंगी। बजरंग टीम को फिर से हरा दिया, तो आज पता उसमें से एक छोला मेरे पास आया, कहने लगा कि जग्गा तू मुझे अपने टीम में ले ले। तो मैंने तो उसे कह दिया भाई मैं तुझे अपने टीम में नहीं ले सकता। अरे जगदीश, अरे हमारे साथ चल तो छोरे, एक जरूरी कागज पता नहीं कहाँ रख के भूल गई, चल आकर ढूंढवा दे। बाद में ऐसा, अभी मैं आनंदी से बात कर रहा हूँ। बात में बात कर लेना छोरे, अभी चलना बहुत जरूरी काम है। अच्छा भाई साहब, मैंने इलेक्ट्रिशियन से बात कर लिया, उससे कह दिया है कि पूरी हवेली चमकनी चाहिए। हाँ भैरो, दिन है कि रात पता नहीं चलना चाहिए। अरे भाई, हमारी सुखना का गौना है, कहीं कोई कमी ना रह जाए, समझा? आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए भाई साहब। अच्छा भाई साहब, आपने न्योते के कार्ड देखे? मासा ने खुद पसंद किए हैं, ये देखिए। हाँ वाह, मासा ने पसंद किया है जी, तभी इतना शानदार है। लेकिन भैरों, ये कार्ड पसंद कर लेने से कुछ नहीं होता, समय रहते लोगों के घर पे निमंत्रण पहुंच भी जाना चाहिए, ताकि किसी के पास ना आने का कोई बहाना ना रहे। वो तो सब कुछ तय कर ही लिया है मासा के साथ बैठकर। भाई साहब, कुछ रिश्तेदारों के यहाँ आप और मैं अलग अलग जाकर न्योता दे आएंगे, लेकिन कुछ के यहाँ तो मासा का जाना बहुत जरूरी है। चलो ठीक है, पैसे का भी देख लेना, अगर बैंक से चाहिए हो तो निकलवा लेना। मुझे लगता है अभी तो जरूरत नहीं पड़ेगी, काफी नकदी है मेरे पास, और फिर बहुत सारे लोगों को तो मैंने एडवांस भी दे दिया। अरे भैरो, ये तो कुछ भी नहीं है, नाते रिश्ते वालों को भी तो कुछ देकर ही विदा करेंगे ना। अरे भाई, लड़की के गौने का मामला है, कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है। देख, मैं नहीं चाहता कि कोई कमी रह जाए और फिर बाद में हम पे कोई उंगली उठाए। तो देखना, अपनी बिटिया का गौना हम कितनी शान और धूमधाम से करते हैं। हाँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, बिरादरी में हमारी शान में कोई कमी नहीं आएगी। सुनिए,
गहना के पेट में बहुत दर्द हो रहा है, बहुत तबीयत खराब हो गई अचानक इसके। तू जल्दी से वैद्य जी को बुला भैरव। भाई साहब, मुझे लगता है कि भाभी साहब को इस वक्त वैद्य जी की नहीं बल्कि डॉक्टर की जरूरत है। हमें उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अस्पताल? लेकिन भैरव तू तो जानता है मासा अस्पताल के कितना खिलाफ है, वो कभी राजी नहीं होंगे। भाई साहब ये सब सोचने का समय नहीं है। मासा देवी माँ के बड़े मंदिर में गई है, उन्हें लौटते लौटते शाम हो जाएगी। भाभी साहब की हालत के साथ हम इस तरह की लापरवाही नहीं बरत सकते हैं। भाई साहब उनकी जान को खतरा है। क्या करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई साहब फैसला आपको लेना होगा। भाभी साहब के पति होने के नाते, उस आने वाले बच्चे के पिता होने के नाते निर्णय आप नहीं लेंगे तो और कौन लेगा? को अस्पताल लेकर चलते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कैसे भी हो भाषा को इस बात का पता नहीं चलना चाहिए। तू तो जानता है कैसा लगेगा उन्हें, पूरा मान जाएंगे, कभी माफ नहीं करेंगे। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भाई साहब, उन्हें कुछ नहीं बताएंगे। आप सुमित्रा के साथ जाकर भाभी साहब को जल्दी से नीचे लेकर आइए, मैं जीप निकालता हूं। हाँ। क्या बात है डॉक्टर साहब, कोई चिंता की बात है? जी फिलहाल मैं दवाइयां तो लिख दे रहा हूं, लेकिन सिर्फ दवाइयों से काम नहीं चलेगा, आप लोगों को इनकी सेहत का पूरा ध्यान रखना होगा। इनकी कमजोरी को देखते हुए इनके शरीर के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी पूरा ख्याल रखना होगा, जिसके लिए सही समय पर पौष्टिक आहार और जहां तक हो सके इन्हें खुश रहना होगा, वरना इनके और होने वाले बच्चे के लिए मुश्किल हो जाएगी। हम इनका पूरा ख्याल रखेंगे डॉक्टर साहब, आप चिंता मत कीजिए। बस ये दवाइयां समय पर दे दीजिए और समय समय पर चेकअप के लिए ले आइएगा। बार बार आना पड़ेगा क्या? बच्चे को कोई तकलीफ है? एक तो इनकी उम्र कम है, उस पर से इनके शरीर में बहुत कमजोरी है, इसलिए इनके केस में हमें ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। मैं समझ रहा हूँ डॉक्टर साहब, लेकिन आप चिंता मत कीजिए, हम पूरा ख्याल रखेंगे इनका। आप बस बढ़िया वाली दवाइयां लिख दीजिए, अच्छी वाली, महंगी। लिख रहे मारे को जल्दी घर भी जाना है, बहुत भूख लग रही है। अरे तो ये गन्ना खा लेना, इतना मीठा है, इसे खाकर तो लगे किसी ने इसके अंदर चीनी की गोली छुपा कर रख दी हो। कल को मास्टर जी सुनाएंगे ना आधा गृह पाठ देखकर, वो बिल्कुल भी मीठा ना होगा। तेरा क्या, तू तो सटासट कर लेगी, पर मुझे तो रात भर बैठ कर सिर खपाना पड़ेगा। अरे बोली ऐसा कुछ भी नहीं होगा, लिखने से पहले ना सरस्वती माँ को 125 रुपए के बताशे बोल देना प्रसाद में, फिर देखना अपने आप कलम दौड़ेगी। अभी तो तू गन्ने के मजे ले ले। आनंदी तुझे यही जगह मिली मजे लेने के लिए? अरे फूली ऐसे लुका छुपी करके खाने में ना बड़ा मजा आता है, यहाँ पर से हमें कोई नहीं देख सकता, लेकिन हम सबको देख सकते हैं, जब तक चाहो आराम से बैठ कर चबाते रहो। आनंदी नीचे देखिए मेरे पेट में गोल गोल घूम रहा है, खाने बहुत डर लग रहा है। फूली तो नीचे देखती क्यों है, मत देखना। और तू डर मत, यहाँ पर तो जगदीशिया भी नहीं आ सकता कि तुझे डरा सके। क्यों, मैं क्यों नहीं आ सकता? ए चुहिया तेरे क्या फोंदे लगे हुए हैं जो तू मचान पे चढ़ सकती है, मैं नहीं चढ़ सकता। लेकिन जगिया तुझे कैसे पता चला कि हम यहाँ है? वो बेल वाली दादी है ना, उन्होंने तुम लोगों को देख लिया था मचान पे चढ़ते हुए, उन्हीं से खबर निकाली है तुम दोनों की। बोली चल हम यहाँ।
यहाँ से चलते हैं। जगदीशा को अकेले यहाँ पर रहने दे। चल। एक तो तुम्हारा पता लगाते लगाते यहाँ आया और तुम लोग जा रही हो। दे ये गन्ना दे मुझे, खाना है। क्यों, मैं क्यों दूं? तू खुद जाकर तोड़ के आना, इतनी जीभ लपड़ा पा रही है तो। ज्यादा चबड़ चबड़ मत कर, दे चुपचाप। अब बहुत दुखेगा। कुछ नहीं होगा, मैं निकाल दूंगा, रुक। दांत से निकालूंगा ना तो जल्दी से निकल जाएगा। तो जाने दीजिए, क्या तुझसे नहीं होगा? मुझे सासू माँ के पास ले चलो ना, वही निकालेंगी। अच्छा चल, लेकिन संभाल के आना। आराम कर। ये दवाइयां हैं तेरी, यहीं रख रही हूं, समय पर ले लेना। उम्र बीत गई मेरी इस घर में कहना, लेकिन आज तक वसंत भाई साहब को मासा के हुक्म के उपरांत जाते हुए नहीं देखा। पहली बार ऐसा होते हुए देख रही हूं। उनका मान रखना, दवाइयां लेने में किसी भी तरह की ढील मत होने देना। और सिर्फ भाई साहब की मान के लिए नहीं, ये तेरे लिए और तेरे होने वाले बच्चे के लिए भी बहुत जरूरी है। कुछ भी समझना आए तो मैं हूं ना, मुझसे पूछ लेना। जी जी, जिस तरह से डॉक्टर साहब बात कर रहे थे मुझे थोड़ा डर लगा। सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? कहीं कुछ नहीं कहना, कुछ गलत क्यों होगा भला? हम सब है ना तेरे साथ, और भगवान का आशीर्वाद है तेरे साथ, वो अपनी बच्ची को कुछ ना होने देंगे। तू बस अपना ध्यान रख और सब दवाइयां समय पर लेती रह। जैसा डॉक्टर ने कहा है वैसा ही करेगी तो सब ठीक हो जाएगा। जगदीशा ने मेरी उंगली में कितनी गहरी चोट पहुंचा दी। अरे अब तक तो ठीक थी, जैसे मैं आपको देखा ना रोने लगी, ढेपले कर रही है माँ। मुझे देखने तो दे जगिया। सासू माँ, मैं गन्ना खा रही थी ना तो इसने जोर से मेरे हाथ से गन्ना खींचा और इतनी बड़ी फांस लग गई। इतना बड़ा तो तेरा हाथ भी नहीं जितना बड़ा दिखा रही है। माँ जब मैंने इससे कहा कि दे दे तब इसे दे देना चाहिए था ना। जब भीन मांगता तो भीन नहीं मना करती है क्या? क्यों, मैं तुझे क्यों दूं? मेरा मन था ना खाने का। और सासू माँ, मैं जिधर भी जाती हूँ ना पता नहीं ये बंदर कहाँ से मेरे पीछे पीछे आ जाता है। अच्छा बस कर, दिखाई दे, यहीं रुक। हाँ दिखा। अरे दिखा तो। कुछ नहीं होगा, बस ऐसे लगेगा जैसे चींटी ने काटा। दिखाई दे, तू ऐसा कर अपनी आंखें बंद कर ले। आनंदी आंखें बंद करना। ये हो गया, निकल भी गया। बड़े वाले चाकू से निकालना चाहिए था ना। तू चुप करना जगिया, देख तेरी वजह से कितना खून निकल गया। दिखा। ले, हो गया। देखा, ऐसे निकालते हैं। ये तो दांत से निकालने चला था, मेरी पूरी उंगली ही खा जाता। चल, तुम दोनों चलो यहां से। Thank you.
कैसा लग रहा है अब? ठीक हूँ। देख गैना, जैसे भी हो लेकिन आशा को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं तुझे डॉक्टर के पास ले गया था। सामाजिक एवं पारिवारिक दबाव जब आकांक्षाओं के बाधक बनने लगते हैं तो मानव मन उनका प्रतिकार कर उठता है, ये स्वाभाविक है।